कैरी दैट इमोशन और कैसे कैसे टाइम लगा रिसर्च योर सॉन्ग क्रिएटर किस तरीके से आपने उस चीजों को मैच कर बिल्ड इन अ वन सिंगल सॉन्ग सो इट्स वेरी हार्ड थिंग टू डू प्लीज नहीं एक सवाल में इतने सवाल पूछ लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको गाना अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच बिट्रेयल वैसे नहीं है गाने में इट्स बेसिकली ये बताने की कोशिश करी है कि प्यार का मतलब ही ये होता है कि आप सामने वाले इंसान को आप जिससे प्यार करते हैं आप उसको फ्लरिश करने का मौका दें ना कि उनको बांध के रखें ये एक बेसिक थॉट था और तो बिल्कुल भी नहीं है बट इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे आप जिनको आप चाहते हैं अगर वो फ्लरिश करे लाइफ में तो आपका जो सैक्रीफाइस है वो कितना बड़ा हो सकता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल स्टोरी के जरिए दिखाया गया है एंड मैम इज ऑलवेज द बेस्ट एंड हमने हर वक्त उनको जब भी देखा है एंड आई रियली लव her work from since whenever she's doing that and each and every person हम लोग जब जो भी including थे जब भी मैम ने पूरा जब हमने imagine किया था कि कैसे हम पूरे story को line up करेंगे so no one would do that better than her हम सबको ऐसा लगता है music video जो है वो अपने song का बहुत ही rarely sing करते हैं but you have to sing the song ये गाना मैंने दो साल पहले लिखा था एक्चुअली एंड उसके बाद हमने जब यूनिवर्सल के साथ इसको मीटिंग में हमने तय किया तो हमें कोई ऐसी चाहिए थी जो यू नो मैच दैट क्वीन ऑफ लाइक बॉलीवुड म्यूजिक तो हमने पलक के बारे में फिर सोचा एंड फ्रॉम दैट वी स्टार्टेड लाइक डूइंग दिस सॉन्ग विद पलक एंड देन आफ्टर दैट गोइंग विद पीपल मीडिया जो साउथ की बहुत अमेजिंग प्रोडक्शन कंपनी है हमने उनके साथ ये वीडियो बनाया एंड ये प्रोसेस बहुत अच्छा था बिकॉज जो लोग इसमें शामिल थे ईच एंड एवरीवन वर सो मच क्रिएटिव एंड जो होता है कि एक क्रिएटिव लोग जब एक साथ जुटते हैं अच्छे लोग एक जगह पे जुटते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है मुझे ऐसा लगता है सो दैट्स द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस सर्विस फॉर